हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें आपको हद से ज्यादा मजा आएगा। तो आज हम इस चलते हुए एंगल ग्राइंडर को इन सब चीजों यानी कि आम, बैगन, थर्माकोल, फुकने, जो भी यहाँ पर सामान रखा है उन सब चीजों के ऊपर छोड़ देंगे और फिर देखते हैं कि जो एंगल ग्राइंडर यानी कि जो मशीन है वो इन सब चीजों को क्या हाल करेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए वहाँ पे थी क्या क्या है, थर्माकोल है, आम है, ये मोटर भी है, फंटी भी है, मतलब बहुत सारी चीजें हमारे पास। तो हम इन सब चीजों के ऊपर चलती हुई मशीन को छोड़ देंगे चलाकर। इसके लिए हम एक भगोने का यूज करेंगे जो कि हमारे पास है, ये रहा देखिए वो भगोना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जैसे कि हमने ये वाली कोई चीज ली और ऐसे डाल दी, इसको डालने के बाद हम इस मशीन को इस भगोने में छोड़ देंगे और फिर देखते हैं कि जो मशीन है वो इन सब चीजों का क्या हाल करेगी। तो जो भी करेगी वो आपके सामने करेगी, मुझे लगता है कि कुछ भी पूरा तहस-नहस कर देगी। तो जो भी होगा आपके सामने होगा, तो देखते रहिए हमारी इस वीडियो को। भगोने का यूज हम इसलिए करेंगे क्योंकि क्या ना, भगोने में क्या है, ये मशीन भगोने के अंदर ही रही है। अगर हम बाहर रखते हैं ना, जैसे जमीन पर करते हैं, तो जमीन पर क्या चीज इधर उधर को जाएगी और मशीन भी इधर उधर को बढ़ गई। तो सबसे पहले हम भट्टों को काटेंगे जो कि मेरे पास है यहाँ पर। ये भट्टे हम खरीद कर लाए हैं, मतलब सब पूरी सब्जी हमारी आई 60-70 रुपए की। तो पहले चटनी चालू कर लेते हैं, चटनी चालू नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा थी क्या हुआ, सही कह रहा हूँ, अगर ऐसा कहीं और हो जाता ना, पूरा थोड़ा मटक जाता। आपने देखा ये मतलब मशीन हिल गई अपनी जगह से, पूरी मैंने कस के लगाई थी, पूरी मशीन हिल गई यार। और दी भट्टी का देख क्या हालू हुआ है, और दी भवन में निशान आ चुके, आप देखेंगे देखिए यहाँ पर कितने करे करे निशान आ चुके हैं देखिए यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं, इसमें ना इन सब चीज़ों को एक बार में डाल देते हैं और एक साल एक बार में काटने की प्रयास करेंगे। तो क्या बार बार काटेंगे ना, उससे क्या वो टकरा रही है और जगह, तो इसमें सब चीज़ एक साथ में डाल देते हैं। इससे क्या ना, वो सब चीज़ों को एक साथ में काटेगी जो भी चीज़ होंगी। सेम पास ही आम है, भट्टे हैं, सब डाल दिए मैंने, सारी सब्जी वगैरह जो भी करी। फंटी वैसे बेकार है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमने फंटी भी देखिए इसमें डाल दी है। तो अब मैं इसमें थर्माकोल और डाल देता हूँ। तो अब जो भी होगा, चटनी बनेगी ऐसी तैसी होगी, वो सब इसी भगोने में होगी। चल झूठा, पहले क्या ना इसको एक बार कस लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ढीला हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पूरी पूरी चीज देखी इसमें डाल दी थी, बटा सब्जी, थर्माकोल वगैरह जो भी सामान था मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, इस मशीन को बीच में से छोड़ देते हैं और फिर मैं वहीं से चालू करूंगा। डायरेक्ट हो सकता है कि मशीन हो चक्के मेरे ऊपर ही गिरे डायरेक्ट। क्या बोला तूने, खतरा है इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा। तो हमारे घर पता, किसी को भी नहीं पता कि हम ऐसा कुछ करते हैं। एक काम करते, फंटी को हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको चालू कर देते हैं। 1 2 3। हेलो दोस्तों, तो जो क्या है ना, वो माल था ना वो लैग होने लगा था, उस वजह से मुझे वीडियो को रोकना पड़ा। तो आप देख सकते ऐसा कुछ चालू आया। देखिए पाला दी पूरी कट चुकी है और थर्माकोल तो वैसा वैसा ही है। तो एक बार चालू करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। 1 2 3। अब चालू करेंगे फिर से, तो देखते रहिएगा जी थाम कर, मतलब मन आप पता नहीं सो क्या बोलते, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। चालू करता हूँ। 1 2 3। तो अरे कुछ भी, मतलब बस चीज़ों काट रहा है और कुछ नहीं कर रही है बस मशीन, मतलब वो क्या मटक नहीं रही थी। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि वो मटक नहीं पा रही ना। 1 2 3। तो अभी भी सब्जी पूरी सन चुकी है, मुझे लग रहा कि मशीन नहीं खराब हो जाए अगर चलता रहा तो, क्योंकि मशीन गीली नहीं होती आज तक, ये वाली आज तक गीली नहीं की हमने। और देखिए कैसे देखिए मिक्सचर चार्ज हो गया, चटनी होती है ना वैसे कुछ मिक्सचर आया है। क्या बोला तूने, एक बार फंसा देते हैं यार, कुछ ढंग सा ढोलना पड़ेगा क्योंकि क्या है ना, अगले इतना उसके बाद दबाव डालने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होती तब जाके कोई चीज़ काम करती है। 1 2 3। बार बार चली। तो आपने देखो कितनी तेज आवाज आई भगवान से टकराने से। क्या ना, भगवान से टकराने से कुछ होता नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज आवाज आती है। इस मोबाइल से आप सोच नहीं सकते कि इतनी तेज आवाज आती है, जो मैं यहाँ सुन सकता हूँ वो आप कैमरे या मोबाइल पर नहीं सुन सकते, मतलब बहुत ज़्यादा तेज आवाज आती है। और सब्जी को देख कैसा हाल हुआ, देखिए पूरी चटनी सी बन चुकी सब्जियों की। तो यार मतलब जैसा हम सोच रहे थे ना, कुछ नहीं हुआ यार, सही कह रहा हूँ। सब्जी बस कट रही है और बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा यार, जैसे जैसे हम रखते जा रहे वैसे वैसे कटती जा रही है, डायरेक्ट नहीं कट रही यार। अपने अपने आप कटे ना तो कुछ अलग ही मजा आएगा। अब मेरे हिसाब से इसमें गुब्बारे रख देते हैं। ये देखिए हमने गुब्बारे रख दिए, तो अब इसके ऊपर मशीन छोड़ देते हैं। अपने आप ही फूट गया, अपने आप ही फूट गया, हमें फोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी यार। अब लास्ट में बचा है पीला वाला और कोई गुब्बारा नहीं है, देखिए इसका क्या होता है। सही कह रहा हूँ यार, ऐसी बुरी किस्मत है यार। एक दो बार ट्राई और करते हैं, फिर मैं ट्राई नहीं करूँगा बिल्कुल भी। Thank you.
पूरी देखी गीली हो चुकी है, देखी मशीन देखी पूरी। आपने कभी मशीन गीली नहीं की हुई ना, करना ना कभी ऐसा ऐसे में करके देखना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सही कह रहा हूँ, मैं रिस्क पर लाया हूँ अपने, तो मम्मी को पता नहीं है कि मैं भगोना लाया हूँ, उनको पता चलेगा तो मेरी धुनाई अलग लगेगी। पालक पालक मतलब सब कुछ बेकार हो चुका है, ये अब किसी काम की नहीं है। और मेरे हिसाब से हम इसको गैयों को भी डाल सकते, क्योंकि क्या ना इसमें थर्माकोल मिक्स हो चुका है। बाकी देखिए क्या क्या निकला है, देखिए पूरी तो ये खराब हो चुकी है। वैसे तो सही है, वैसे देखा जाए तो देखिए पूरी कट चुकी है, थोड़ी थोड़ी पूरी नहीं कटी है कोई भी चीज। ये देखिए आम भी, देखिए ऐसा कुछ आलू है, आम भी पूरा नहीं कटा। बाकी देखिए भट्टा 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 भी देखिए सारे, मतलब कुछ ना कुछ निशान आ चुके तो वो बेकार हो चुके हैं। देखिए देखिए कैसा आलू है, ये भी कट चुकी है, पूरा कट चुका है। तो और यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ मेटल की आवाज आ रही है ना, ये करेंगे तीन चार मेटल टुकड़े हैं, मैं तो अभी दो ही हाथ में लेकर आ रहा हूँ। ये देखिए अगर आप देखें ना, ये मेटल के टुकड़े हैं, चक्का है ना इसमें से टूटे हैं मशीन के टुकड़े, ये खा दो जी। देखिए ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें ना गोल कर, ये देखिए टूट चुका है, देखिए टेढ़ा हो चुका है, टेढ़ा है अगर आप देखेंगे, और इसको देखिए ये देखिए बिल्कुल सीधा है। तो इसी में से टूटे हैं, मतलब तीन चार जगह टूटे हैं, मेरे पास अभी दो ही हैं फिलहाल। ये देखिए तो मैं एक बार धो लाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पूरा भगोना साफ कर लिया है, देखिए कितने सारे निशान आए, देखिए इस पर। ये देखिए ये वाला आया, देखिए पूरा बड़ा निशान है, एक देखिए दो दो तीन निशान, चार पांच निशान, देखिए वाले आए हैं, एक निशान देखिए वाला आया, मतलब बहुत सारे निशान आए हैं, क्योंकि वो इसी के अंदर चलिए तो निशान तो आएंगे, स्वाभाविक सी बात है। बाकी आप देखिए कितनी बुरा हाल कर चुकी है मशीन इस भगोने का, आधे से आधा यहाँ तो बहुत बुरा कट लगा है। और मशीन देखिए साफ कर ली है, मशीन तो बिल्कुल सही, मशीन में कोई दिक्कत नहीं आई, बस ये पत्ता बेकार हो चुका है, क्योंकि हर जगह से कुछ ना कुछ टूट गया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने देखिए 10 इकट्ठे किए हैं, बाकी कुछ तो चलेगा, मतलब मैंने धोया ना तो उसमें कुछ चलेगा, बाकी देखिए 7-8 देखिए बचे हुए हैं। ये देखिए तो सोच सकते हैं कितना खतरनाक हो जाता है, अगर एक भी अगर ये स्टोन हमारी आंखों में लग जाता है या कुछ भी हो जाता है तो कितना बुरा हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। बाकी देखिए कितने सारे निकले हैं, मेरे 15-20 निकले होंगे, बाकी 10 तो मैंने इकट्ठे कर लिए, कुछ मैंने फेंक दिए। ये देखिए सब्जी का देखिए ऐसा कुछ आलू है, सब्जी देखिए मैंने यहाँ देखिए इकट्ठे करके रख दिए, ठीक है सब्जी बता देता हूँ एक बार। तो आप जैसे सब्जी देखिए कितना ज़्यादा बुरा हाल हुआ है, पूरी मतलब सब्जी बेकार हो चुकी है, मेरे हिसाब से कुछ ही निकलेगी, मतलब 20% सब्जी बची है जो कि सही है, बाकी 80% बेकार हो चुकी है। और तो देखिए मैं आपको अगली वीडियो में नोटिफिकेशन दे देता हूँ, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं। मशीन है ना, मशीन के हम ऊपर टैप लपेट देंगे, वो बहुत सारा लपेट देंगे पूरी पावर, फिर देखते हैं मशीन कितनी पावरफुल है जो इस टैप को काट पाए। मैंने आपको नोटिफिकेशन दी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।